वेलकम गाइस, मैं हूं फानी गिल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जी एटीएम कार्ड किस तरह यूज़ करते हैं। ये पीछे हमारे एचबीएल बैंक है, तो मेरा एचबीएल का अकाउंट है। तो अभी दिखाऊंगा कि बायोमेट्रिक भी किस तरीके से यूज़ करते हैं और अगर एटीएम है तो वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड। इसको सबसे पहले इधर इंसर्ट करेंगे, तो ये चला गया, तो ये मशीन के अंदर चला गया। उसके बाद ये सबसे पहले आपसे पूछेगा आपने कौन सी लैंग्वेज आपने चूज़ करनी है। तो इधर डॉप आएंगी, ये इंग्लिश है, उर्दू है, हम इंग्लिश कर लेते हैं। इंग्लिश सेलेक्ट की, तो इसके बाद ये मांगेगा जी प्लीज़ इंटर योर 4-डिजिट पिन। तो ये पिन आपने जो भी है इसको सीक्रेट रखना है। पिन इंटर करने के बाद आपको एक मेन मेन्यू में ले जाएगा ये। तो मेन मेन्यू में जाके आपके अकाउंट की सारी जिधर भी जितनी भी डिटेल है ना वो आ जाएंगी। यानी कि देखिए इधर बैलेंस इंक्वायरी करनी है, अपने पेमेंट्स देखनी है या स्टेटमेंट्स देखनी है या कुछ किसी को चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है। तो हमने अभी पैसे निकलवाने, कितने निकलवाने? 3,000 इधर से निकलेंगे। इधर से ये फास्ट कैश है 500,000, 2,000। अगर हमने कोई और अमाउंट निकलवानी है तो हम कैश विड्रा करेंगे। तो ये कैश विड्रा किया, इसको हमने सेलेक्ट किया, तो इधर हम अमाउंट करेंगे 3,000। ये हमारी 3,000, ये हमारी 3,000 आ जाएगी। और फिर हम इसको करेंगे जी कंफर्म, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये पूछेगा जी आपने रसीद लेनी है या नहीं लेनी। तो हम कर देते हैं जी ले लेते हैं। तो ये अभी प्रोसेसिंग चल रही है, हमारे अकाउंट को रीड कर रहा है, अभी हमें पैसे देगा। पहले कार्ड देगा, हाँ सबसे पहले हमें कार्ड देगा जी, अपना कार्ड हैंड ओवर करें। तो ये कार्ड निकल आया, कार्ड निकलने के बाद ये नीचे पैसे हैं जी, पैसे और ये इधर से रसीद आ गई। तो उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।